Hi everyone, how are you? So today, you know, I'm feeling very hungry, very very hungry. और मुझे कुछ अच्छा खाना है. Sunday evening है and I really thought that, you know, I want to have something good. And you know, I like mushroom sandwiches a lot. मुझे बहुत पसंद है mushroom sandwiches. You know, बचपन में हम mushroom sandwiches कभी इतना, you know, we never heard of, right? मतलब हमने कभी सुना नहीं mushroom sandwich. But गुड़गांव में एक जगह है, you know, kingdom of dreams जो है उसके पास में, that is called as the roots, right? उसका mushroom sandwich, if you eat it ना, it is lovely. बहुत ही tasty mushroom sandwiches बनाता है वो. तो I really thought that, you know, why shouldn't I try, right? So here I am making mushroom sandwiches today for me and my daughter, right? So let's start. Let me show you the ingredients, right? So I've taken mushrooms, a lot of mushrooms here, okay, a piece of bread, right, and I have chopped onions, okay. So these onions, there is something very good. कि pigeon का vegetable chopper आता है, but that is very very good. Okay, I mean I am using it for around 1 year now. Okay, and it's been very very useful in the kitchen. Okay, and so I'll be using that, a little bit of olive oil. Okay, and what is that? That's pepper. Okay, and pizza oregano. Okay, and a little bit of milk is also required. Okay, so let's get started. So let's chop mushroom, chote chote kaat lete hain, right? आप छोटे छोटे पीसेस काट सकते हैं उसके, ओके, जिससे कि यू नो इट विल फिट इन बेस्ट इन द सैंडविच, राइट? हियर आई एम, मैंने अपने मशरूम्स छोटे छोटे पीसेस में काट लिए. So let's start. थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ. मैं ऑयल थोड़ा कम लेती हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, राइट? मैं ज़्यादा नहीं लूँगी. ये मैंने चॉप्ड जो मैंने अनियन काट के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए. आपको थोड़ा सा सॉटे करना है. थोड़ा सा फ्लेम आप ज्यादा कर सकते हैं. आपको ब्राउन होने तक वेट नहीं करना है, क्योंकि ये हम सैंडविचेस के लिए बना रहे हैं, तो इसीलिए आपको ब्राउन होने तक वेट बिल्कुल भी नहीं करना है. सो जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे मशरूम्स, अब मैं उसमें डाल रही हूँ. अगर आपको ऑयल थोड़ा कम लगता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ऑयल बढ़ा सकते हैं.
मुझे थोड़े से मशरूम थोड़े से कम लग रहे हैं, सो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर. सो ऑलमोस्ट ये मशरूम्स हो गए हैं, राइट. मैंने थोड़े से मशरूम्स और डाल दिए थे क्योंकि मुझे लगा शायद थोड़े कम पड़ जाएंगे, राइट. आपको थोड़ा सा ऑयल लगे तो आप डाल सकते हो. तो इसमें थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि थोड़े से कुक्ड हो गए हैं, राइट. थोड़ा सा आपको मिल्क डालना है, थोड़ा सा. एंड उसमें एक चम्मच आप मैदा डाल दीजिए. ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक स्पून अगर आप मैदा डाल देंगे दैट्स अ बेस्ट थिंग. अब उसे कुक होने चाहिए दीजिए. जब तक मैदा और दूध आराम से मिल जाए. उसके अंदर मैं थोड़ा सा पेपर डाल रही हूँ. थोड़ा सा मैं थोड़ा सैदा नमक पे विश्वास रखती हूँ, मैं सैदा नमक खाती हूँ, राइट. तो ये रहा सैदा नमक, राइट. एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पिज्जा ओरिगैनो, ओके. सो मैं वो डालूंगी थोड़ा सा. और ये मैं चिली फ्लिक्स डाल रही हूँ. आई लाइक चिली, ओके. थोड़ा सा चिली डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, राइट. यम्मी. सो मेरे पास थोड़े से कॉर्न रखे हुए थे, राइट. और मुझे कॉर्न पसंद है, राइट. कॉर्न इज हेल्दियर ऑल्सो. तो मैंने थोड़े से जो कॉर्न मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं, राइट. आपको लगता है तो आपको अगर कॉर्न पसंद है तो आप डाल सकते हैं. आप इसके अंदर चीज डाल सकते हैं. मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मैं चीज नहीं डाल रही हूँ, राइट. पर आपको लगता है तो आप चीज भी डाल सकते हैं इसके अंदर. और अगर आप चाहें तो यू नो इफ यू वांट टू मेक इट लिटिल चाइनीज काइंड ऑफ, यू कैन ऐड सोया सॉस और यू वांट टू हैव सॉस एनीथिंग लाइक यू नो इफ यू वांट टू मेक इट एज चाइनीज आप वो बना सकते हैं. सो हियर इज इट, राइट. ये उसकी फिलिंग बन गई है. अब मैं इसमें फिलिंग करूंगी. तो अब मैं ब्रेड सेक रही हूँ. थोड़ी सी आप ब्रेड सेक लीजिए सैंडविच के लिए, राइट. थोड़ा सा बटर ले लीजिए, लेट इट स्प्रेड. जितना थोड़ा सा सेकना चाहते हैं आप सेक सकते हैं. मैं ज़्यादा नहीं सेकूंगी, थोड़ा सा ही सेकूंगी.
अच्छे से ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए ब्रेड। ये देखिए थोड़ा सा रेडिश बन आ रहा है ब्रेड में, बस तभी तक सेकिए, मैंने दूसरी ब्रेड डाल दी है। सो मेरी ब्रेड हो गई है, सो व्हाट आई विल डू इज लाइक I'll use the filling and I'll put it on the bread. ये देखिए आप इसके ऊपर चीज डाल सकते हैं राइट, तो आपको अगर यू नो इफ चीज आपको अच्छी लगती है यू नो प्योर, आई एम लिटिल हेल्थ कॉन्शियस एज आई सेड राइट, और इसलिए मैं चीज नहीं यूज कर रही हूँ, आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं, फिर से एक बार थोड़ी सी आंच पे इसे थोड़ा सा, मैं आप उसे थोड़ा सा प्रेस करके, मैं एक छोटी सी थाली लेती हूँ एंड आई ट्राई टू प्रेस इट। थोड़ा सा ही आपको सेकना है क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार सेक चुके हैं। ऑलमोस्ट रेडी है, मेरा सैंडविच हो गया है, जस्ट टेक आउट। सो मेरी डॉटर को ना ट्रायंगल बहुत पसंद है, ट्रायंगल सैंडविच बहुत पसंद है, आई विल जस्ट ट्राई कटिंग इट इन द ट्रायंगल। ये देखिए इसके अंदर आप अगर चीज की लेयर डाल देंगे ना, इट विल बी यमी। ओके So I'm trying it. आप जरूर ट्राई करिए, इट्स अ वेरी हेल्दी डिश। ओके मशरूम बहुत अच्छा माना जाता है राइट, इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर बीपी पेशेंट्स राइट, इट इज वेरी वेरी गुड। ओके और कॉर्न्स तो आप जानते ही हैं, कॉर्न इज ऑलवेज वेरी हेल्दी।